कहां तो मैं तुझे डॉन मुकद्दर का सिकंदर शहंशाह बनाना चाहता था, पर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर के तू शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला घनचक्कर बन गया। तू विजयकांत नहीं गजनीकांत है। मम्मी चुप रहो तुम, जब देखो ताने मारते हो। दुनिया की बाकी लड़कियां मर गई है क्या? इस पूरे ब्रह्मांड में बस अब एक ही लड़की बची है जो इसका बेड़ा पार लगाएगी, वही है बेस्ट ऑप्शन। जी पापा। ए, अभी अभी लड़की के पिता सत्यमूर्ति जी से मिलकर आ रहा हूँ, वो तुमसे मिलने आएंगे, जरा ठीक से बात करना। हाँ कर लूंगा। और सुन, गुना ने तुम्हारी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर दी है, बहुत अच्छे लोग हैं, लड़की भी बहुत सुंदर है, गड़बड़ नहीं करना। अरे गुना अंकल ने तारीफ करके गुना कर दिया, अब तो वो मुझे देखते ही लपक पड़ेंगे, बोलेंगे हमें ऐसा ही दामाद चाहिए था। अरे 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 अरे, फोकट का स्टाइल मेरे सामने मत मार, अपने भुलक्कड़पन का कोई भी सैंपल उनको मत दिखाना, समझ गया? अब इस तरह धमकी मत दो वरना सच में भूल जाऊंगा। ओह तुझे तो भुलक्कड़पन की दवाई का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए, चला फोन काट। कैसा बाप मिला है। आज ये कच्ची गली है, फिर फूल बनेगी, फिर फूल बनते ही इस पे भावरे मंडराएंगे। हे रजनी, बाहर रिसेप्शन पे कोई बुढ़ाऊ तुझसे मिलने आया है। टेंगा। बोल चमन। अरे अरे रो क्यों रहा है? एक काम कर, पहले रो ले फिर फोन कर। रजनी, मेरी मसकली की शादी उसके बाप ने कहीं और फिक्स कर दी। मतलब चमन उजड़ गया? बसने से पहले ही उजड़ गया। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको किडनैप कर ले। घबरा मत चमन, तेरी फैली हुई मांग जरूर सजेगी। अरे मांग तो तब सजेगी ना जब मेरे सर पर सेहरा सजा होगा। अरे सजेगा क्या, कीले से ठोक दूंगा। पहले तू ये भिंडी रोना बंद कर यार। ठीक है, पर ये होगा कैसे भाई? तो देख, प्लान ये है कि हम उसके केकड़े जैसे बाप को जुलाब की गोली खिलाएंगे, ऐसा तगड़ा डोज देंगे कि दिन भर बाथरूम में ही सड़ेगा। दे चुम्मा। उससे कहना कि बुर्का पहनकर भागे और पहलवान की आवाज में बात करने लगे। हाँ चल रखता हूँ। घोड़े पे आऊंगा मैं, घोड़ी ले जाऊं। ये चाय है कॉफी? कॉफी है। अबे इसको कॉफी बोलता है? ये तो कप्स का काढ़ा लग रहा है। आ तेरे को कॉफी बनाना सिखाता हूँ, चल। मैडम, आपने मेरे बारे में इन्फॉर्म किया है? हाँ मैंने कर दिया है। सबसे पहले काली कॉफी बीन्स जमा कर। अरे लिखना क्या कर रहा है? फिर उसे कूटनी में डाल के धबा धब कूट के पाउडर बना। 109 ml के दूध में मिक्स कर, फिर शक्कर डाल के नींबू निचोड़। अबे कैसे लिख रहा है? और ऐसे बनती है कड़क कॉफी। वाह करण, क्या खाना है? नामवाली ने चिकन मस्त बनाया, उसके हाथ चूमने पड़ेंगे। अरे ये मटन चिकन क्या बोल रहा है तू? आप चलती ट्रेन में चढ़ रहे हो, मैं तो खाने की तारीफ कर रहा था। इसकी तारीफ करना बंद कर, जो तुझे मिलने आया उसे तेरी तारीफ किया नहीं। कोई आने वाला था? सत्यमूर्ति को भूल गया। अरे बोलोगे क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता, वो फिर से भूल गया। हे अनु, कोई मेरा वेट कर रहा था क्या? सुबह से यही बैठे थे, लगता है चले गए। पापा अभी मुझे उनका नंबर दो। है, जैसे उन्हें जाकर मना ही लेगा, उल्लू का पट्टा किसी काम का नहीं है तू। न जाने कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ, पहले मेरे बाप को मारा अब मुझे मारेगा क्या? ये मरने मारने का अपॉइंटमेंट बाद में सेट करेंगे, पहले नंबर दीजिए। हेलो सत्यमूर्ति जी, मैं रामनाथन का बेटा बोल रहा हूँ, रजनीकांत। वो सैम्पलिंग सीट्स को चेक करने के लिए यूएस से डेलीगेट्स आए थे, इसलिए देर हो गई। नो इश्यूज, किसी और दिन मिलेंगे, अभी तो मैं निकल गया। अरे नहीं 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 सर, आई एम रियली सॉरी सर, कोई मिलने की जगह बताइए, मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे ऑफिस के पास जो कॉफी शॉप है वहीं मिलते हैं। ओके सर, आप कॉफी ऑर्डर कीजिए, उसके खत्म होने से पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है। चल छुट्टा नहीं। चमन। हाँ चमन, कुंभ के मेले में बिछड़ने के बाद आज तो मुझे मिल गया, पतली गली कैसी भी हो टाइम पे मिलाती है। दे चम्मा ऐसी बात पर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी भूखी भाभी को कुछ खिलाने लाया हूँ। हेलो भैया जी, ये फीमेल पैकेजिंग में मेल है क्या? ए, ये तेरा ही तो आइडिया था। हाँ हाँ मेरा। चल चल चल। ए भाभी को टिकाने का बंदोबस्त हुआ या नहीं? क्या यार, उसकी टेंशन तू क्यों लेता है? तू बस मेरी शादी की टेंशन ले। ए, एक पेन और पेपर लेकर आना। रेड पेन लेके आना, ब्लैक मत लेके आना, इमोशन खेल के आते हैं। सर ये लीजिए।
देख अब इसको सीधे रजिस्टर ऑफिस ले जा और वहाँ पे मंडप सजा, हम सब वहाँ पे गवाही देने आ जाएंगे। ठीक है रुक मैं मिलाता हूँ ना। चुम्मा तुम्हारे अंदर कोई कटसी है कि नहीं? खड़े हो जाओ। दो घंटे से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम यहाँ लव गुरु बने बैठे हो। Come on, speak up. सर, सॉरी सर। सॉरी माय फुट। तुम्हें सॉरी कहने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे बेवकूफ आदमी पर मैंने अपना वक्त जाया किया, ये सोचकर शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। इसमें शर्म की क्या बात है? हम तो जब से पैदा हुए तब से बेशर्म है और जो शर्म बची थी उसे बेच के खा गए, उसी वजह से तो जिंदा है। वैसे प्यार के चक्कर में मैंने भी बहुत जूते चप्पल खाए, उन्हीं लात घूसों की वजह से आज मुझे मसक कली जैसी उड़न परी मिली। मैं भी किन लोगों से बहस कर रहा हूँ? रजनी, ये तेरा बाप था क्या? नहीं, एक लड़की का बाप है जिसका रिश्ता लेकर आया था। मतलब बीवी का बाप? अंकल जी, हो अंकल जी, बात तो सुनो जी, दिल की बात उल्टी करनी है। रजनी एक नंबर लड़का है, घर चला के ढूंढोगे ना तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी बेटी उसके हवाले कर दो। क्या कहा? मेरा मतलब शादी की पुंगी भजवा दो। Hey, get out. Already out है, अब क्या धरती छोड़ दो? अरे चमन, जाना यहाँ से। अरे तेरी पुंगी भजवा रहा था। वो तो वैसे ही बची हुई। What is this nonsense? सर प्लीज आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए सर। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कभी कभार मुझे कुछ चीजें याद नहीं रहती। अगर मैं किसी काम में बिजी हूँ और अचानक कोई दूसरा काम आ जाए तो पहला वाला काम ऑटोमेटिकली भूल जाता हूँ सर। मुझे ऑफिस वालों ने बताया था आप वेट कर रहे हैं, पर बीच में दोस्त का फोन आया तो भूल गया। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुँचाने का नहीं था सर, प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। इतनी बड़ी बीमारी का शिकार है तू और मैं बेवकूफ हूँ जो अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूँ? सुन, जितना मैंने सोचा था तो उससे ज्यादा गया गुजरा निकला। मेरी बेटी के बारे में सोचना भी मत और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना। खाना खा ले चुपचाप, भूख नहीं लगी है। क्यों रे, ये तेरे साथ पहली बार हुआ है क्या? फिर चेहरे पर 12 बजाकर क्यों बैठा हुआ है? बेचारा गुना इतनी मुश्किल से तेरी इमेज बनाता और तू बार बार उसकी वाट लगा देता है। एक बार तेरी शादी हो जाए तो हमें पोते पोतियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। घर में लक्ष्मी जैसी बहू आएगी तो घर का सारा काम संभालेगी, इससे तेरी माँ को कितना आराम मिलेगा। अरे ये सब तो मत भूला कर। जैसे कि मैं जानबूझकर भूलता हूँ। जानबूझकर भूलता नहीं है तो जानबूझकर याद तो रखा कर, जिंदगी झंड बना दी है, सर फोड़ लेने का मन करता है। रामनाथन, इसे किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो? डॉक्टर क्या, स्पेशलिस्ट को दिखा चुका हूँ, उसने कहा डिफेक्टिव माल है, इसका कुछ नहीं हो सकता, धक्के मार के निकाला हमें। फिर खिस्सा पिटा रिकॉर्ड। चुप करो तुम। अब एक लास्ट आइडिया देता हूँ तुम्हें, अपने जैसा कोई स्पेशल पीस ढूंढ के लाओ और उसके साथ कहीं भाग जाओ, पर रास्ते में भूल मत जाना उसे, चाहो तो हमें हमेशा के लिए भूल जाओ। मैंने नहीं बोला मेरे लिए लड़की ढूंढने को, आपको मिलती तो आप कर लो शादी, मेरी तरफ से हाँ है, शादी में आशीर्वाद देने आ जाऊंगा। जा रहे रामनाथन, कहो तो मैं बात करूं। खाना ठूस। कितना फोन करेगा, बोला ना रास्ते में हूँ, लाल चड्डी पहनी, इसका मतलब ये नहीं कि उड़ के आ जाऊंगा। अबे रजनी कहाँ पर है तू, जल्दी आ वरना बॉस टपक जाएगा। अरे तो मैंने थोड़ी बोला था कि काम वाली बाई के साथ बाथरूम में डांस करे। देख तुझे बोलता हूँ, अगर इसकी विकेट गिर गई ना तो हम दोनों की जिंदगी झंड हो जाएगी, इसलिए बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके आ जा। अरे इसकी गालियां सुनकर कानों से खून निकल रहा है यार। रुको रुको। हेलो हेलो रजनी, जहाँ वो जाता। ओ, तो तुम ब्लड डोनर है। हाँ। अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ए, कहाँ पर है? आ जाना मेरे बाप। ब्लड तो कब का डोनेट कर दिया, थोड़ी देर में आ जाएगा। ब्लड डोनेट कर दिया, कहाँ पे कर दिया? सिस्टर ये कौन सा फ्लोर है? ये पहला माला है। फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, अबे तुझे थर्ड फ्लोर पे आना था। बताया भी नहीं इसने। सिस्टर ब्लड वापस मिलेगा क्या? खरीदा माल वापस नहीं होता। सॉरी यार, ब्लड डोनेट करना इतना मुझे याद रहा पर कहाँ करना ये याद नहीं रहा। अरे बॉस पूछ रहा है यार, मैं उसे क्या जवाब दूँ? मेरा खून उसके नसीब में नहीं है। सत्यानाश, तो फिर भूल गया। अब तो बॉस की आरती जरूर उठेगी।
अच्छा सुन, मैं चलता हूँ। कौन से स्मशान आना है बता देना। ए, कहाँ जा रहा है? ए, रजनी सर, पार्किंग में जो नीली गाड़ी खड़ी है आपकी है क्या? अरे पार्किंग में मेरी गाड़ी नहीं होगी, वो तो रस्ते पर। मेरी गाड़ी, ऐसे कैसे तुम भूल गए? सॉरी मैम, गलती हो। तुम्हारी गलती से किसी की जान जा सकती है? किसी बच्चे की जान तुम्हारे लिए इतनी सस्ती है क्या? वो एक्चुअली एक्सक्यूजेस मत दो। आधे घंटे में अगर बच्चे को ब्लड नहीं मिला तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। आई एम सॉरी मैडम। सॉरी का अचार डालूं? डोंट वरी मैडम, आपके साथ जो आदमी आया था उसने ब्लड डोनेट कर दिया। कौन? ये देखो, वो अपना आईडी कार्ड भी भूल कर चला गया। और पेशेंट बेबी का ट्रीटमेंट सॉलिड है, मांगता है तो आके देख लो। की वाट लगा दी। नुकसान के पैसे दे, नहीं तो जेल में चक्की पिसवाऊंगा। छोटा सा तो स्क्रैच है, सेलो टेप से ठीक हो जाएगा। इसको स्क्रैच बोलते हैं? लाइट से लेके बंपर तोड़ दिया, इसको स्क्रैच बोलते हैं? सॉरी सर, खून गर्म मत कीजिए, खर्चा बताइए। 2 for 10 to 10 चल कट लेते हैं। 20,000 लगेंगे। अरे बाप रे, 20,000 इंग्लिश में बोलने से कम नहीं हो जाएगा। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, आज सुबह आपने हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट किया था। अच्छा, तो इसीलिए सुबह से चक्कर आ रहा है। हां हां, तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मैं बस आपको उसके लिए थैंक्स कहना चाहती थी। ओके, यू आर वेलकम। आप फोन रखूं? सर सर सर, एक मिनट, आपका आईडी कार्ड मेरे पास रह गया। ठीक है, कल ले लूंगा तुमसे। सर अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो। तुम गलत वक्त पर फोन कर रही हो, प्लीज रखो। पका रही है। तू बात करना। यहाँ पे क्यों खड़े? हाँ तो बताओ क्या करना है। कैश? कैश चलेगा सर। कितना कैश? उतना ही जिससे काम भी बन जाए और गाली भी ना पड़े। बुआ की शादी में आया क्या? जल्दी बोल कितना कैश। सर 15,000। 15,000? पागल हो गए हो क्या? 12,000 के ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे यार, खड़े खड़े लॉटरी लग गई अपनी। लगता है दिमाग से पैदल लेके कट लेते। ये लो, गिन के रखो। सर कभी दोबारा स्क्रैच की जरूरत पड़े तो याद करना। थैंक्स सर, बाय सर, थैंक यू। अरे नुकसान उन्होंने क्या, भरपाई मैंने की। ए रुको, ए